Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एसआर का लैपटॉप है जिसमें नो पावर प्रॉब्लम है। तो नो पावर प्रॉब्लम का बहुत सारा लैपटॉप मैंने रिपेयर किया और ये हालांकि कंप्यूटर पॉइंट से आया है, लोकल का है, लोकल दुकानदार के पास से आया ही है। तो ये है मॉडल इसका, ये एसआर का एस्पायर मॉडल है, ये 5349 का इसका एक्चुअल मॉडल नंबर है। तो इसमें ये पावर ऑन नहीं हो रहा है, तो चलिए हम इसको दबा के देखते हैं। तो देखिए, ये दबाया तो इसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया और इसमें एक लाइट जलना चाहिए था, वो भी नहीं जल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही पुराना तरीका अप्लाई करेंगे और इसमें पहले वोल्टेज जो है उसे हम चेक कर लेंगे। तो देखिए, पहले से मैं 20 वोल्ट डीसी में मल्टीमीटर को सेट किए थे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी मेटल का टुकड़ा या तो फिर सोल्डर यहाँ पे डालेंगे और डालने के बाद हम इसका वोल्टेज जो है वो चेक कर लेंगे। तो ये वोल्टेज हमारा नहीं आ रहा है। तो चार्जर जो है इसे हम एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा लगाएंगे, क्योंकि शॉर्ट सर्किट अगर हो जाता है अंदर तो चार्जर जो है वो हमारा बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो चलिए, हम इसे दोबारा लगाया और अब हम इसे फिर से चेक करेंगे। तो देखिए, इसमें वोल्टेज जो है वो हमारा ये 19.04 वोल्टेज इसमें शो कर रहा है। तो चलिए हम इसे दोबारा इसमें लगा देते, उसके बाद हम इसे दबाते। तो देखिए, इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिलहाल हम दोबारा वोल्टेज को चेक करेंगे तो ये जरूर ड्रॉप हमारा हो जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट सर्किट अंदर में है। तो देखिए, ये शॉर्ट सर्किटेड है। तो अभी इसमें वोल्टेज दोबारा से नहीं आ रहा, तो चलिए हम इसे खोल के देख लेते हैं। कभी कभी बैटरी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो चलिए हम बैटरी को पहले ओपन करके देख लेते हैं। बैटरी को ओपन किया और हम दोबारा ये चार्जर को अनप्लग करके लगाते हैं और इसको दोबारा यहाँ पे इंसर्ट करके देखते हैं। तो उसके बाद हम एक बार और पावर बटन दबा के देखेंगे। तो सेम प्रॉब्लम। तो चलिए हम इसे टोटल ओपन करके देख लेते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे बहुत सारा स्क्रू आपको दिख रहा है। तो ये जितना भी यहाँ पे स्क्रू आपको दिख रहा है तो ये सबको आपको खोलना होगा। चलिए मैं भी इसे खोलता हूँ। कैमरा फिक्स करो, धर तो फिक्स करो, धर। और भी यहाँ पे स्क्रू है, तो चलिए हम इसे भी निकाल के देख लेते हैं। और जितना भी स्क्रू है आपको संभल के रखना होगा, क्योंकि ये मेरे को भी संभल के रखना होता है। और इतना सारा स्क्रू शायद आपने कभी नहीं देखे होंगे। और ये अब हमारा जितना भी स्क्रू था यहाँ से मैंने लगभग निकाल दिया और एक गलती से रह गया, तो इसे भी हम निकाल देते हैं। और हम ये रॉ फुटेज ही डालेंगे और किसी को कोई दिक्कत है तो अब इसे बंद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगेंगे। और एक रह गया है, तो इतना स्क्रू इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ कि इतना मेहनत
करना होता है। सिर्फ रिपेयर देखने से फायदा नहीं है, तो इसे खोलना भी देखना होगा। तो चलिए हम इसे खोलते हैं। और खोलने के लिए आपको सबसे पहले जो है, अब आपको यहाँ पे कीबोर्ड को ओपन करना होगा, और उसके बाद भी आपको स्क्रू मिलेंगे। तो ये बहुत ही मजेदार चीज है। दूसरा ओपनर, तो भाई गलती से कीबोर्ड में हाथ लग गए थे मेरा डेस्कटॉप का, तो गाना चालू हो गए थे, इसके लिए खेद है। रुकवाइट के लिए खेद है भाई, खेद है। तो ये अब हो चुका है, और अब हम यहाँ का भी स्क्रू निकाल देंगे। तो भाई गुस्सा मत हो, और ये हमारा हो चुका है, और अब हम इसे ओपन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये कनेक्टर वगैरह डिसकनेक्ट जरूर करेंगे, और ये लैपटॉप पूरा का पूरा ही खोलना होगा, नहीं तो शॉर्ट सर्किट जो है उसे हम शॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। ये इसका हिंज पहले से ही प्रॉब्लमेटिक है, तो इसीलिए ऐसे साउंड कर रहा है। तो ये टूटा हुआ है इसका राइट साइड का, तो हम उसे भी ठीक करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डीवीडी राइटर जो है इसे निकल के रख देते हैं। और अब धीरे धीरे इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हेडफोन का कनेक्टर आपको मिल रहा है, तो इसे आपको डिस्कनेक्ट करना होगा पहले, मतलब इस तरीके से इसे पहले ओपन कर लीजिए। काफी मजबूत है ये, तो हम दूसरी साइड से इसे ओपन करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये आराम से ओपन हो जाए। और एक स्क्रू भी यहाँ पे रह चुका है, ये मेरे को दिखाई नहीं दिया था। अब हम इसे शायद खोल पाएंगे। तो ये अब हमारा ओपन हो चुका है। तो इसका जो हिंज है इसे भी आप मेरे को ठीक करना होगा, ये तो बाद में सोचेंगे। ये बहुत ही टाइट है, देख सकते हैं आप, ये बहुत ही टाइट है, तो इसके बारे में बाद में सोचेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसको रिपेयर करते हैं। ये 8 मिनट लग गया ओपन करने में, और ये देखना जरूरी है, नहीं तो नहीं कर पाएंगे आप। तो चलिए अब इसको हम चेक करके देख लेते हैं कि इसमें शॉर्ट सर्किट कहाँ पे है। तो ये है हमारा चार्जिंग कनेक्टर का इनपुट सेक्शन, मतलब यहाँ से हमारा 19 वोल्ट जो है ये इनपुट हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इसकी नजदीक में। तो यहाँ से देखिए कुछ कॉयल ब्लैक वाला लगा हुआ है, उसके बाद कुछ मोस्फेट है जो कि हम लोगों के पास नहीं मिलेंगे। तो ये तो नॉर्मल सा ओम्स आ रहा है इसमें, ये तो आ ही सकता है।
इससे में हमारा शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो हम ये क्या चेक करते, देखिए मोस्फेट की सोर्स और ड्रेन में लगा के देखते हैं कि इसमें जीरो ओम्स हमारा शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ऐसे अगर कोई भी मोस्फेट दिखता है तो उसे आपको खोलना होता है। तो यहाँ पे हमारा 5 ओम्स शो कर रहा है, ये टच करने से भी 5 ओम्स हो रहा है, मतलब इसमें मेरा मीटर में भी कुछ गलती है। अब जीरो कर रहा है, इसमें प्रोब में लूज हो रहा है। क्या है ये, शॉर्ट है कि नहीं है इसमें, ये ओम्स बाईस ओम्स, ओके तो इस साइड में इसमें ये ओम्स आ रहा है। तो हम इसे निकाल के देखते हैं। तो इसकी ड्रेन में लगा रहा हूँ और इसकी गेट में लगा रहा हूँ, तो ये देखिए गेट में भी ओम्स आ रहा है इसमें, और ये ड्रेन में भी, ड्रेन टू सोर्स में भी इसमें एक ओम्स जीरो ओम्स हो कर रहा है। पलट के देख लेते हैं, तब भी हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम है, और ये पुराना लैपटॉप में ही मिलेंगे, लेकिन ये एन चैनल है कि पी चैनल है ये मेरे को पहले पता करना होगा। तो इसका नंबर है P1413। आप देख नहीं सकते, हाँ देख सकते हैं, P1413BA161U। तो हम देख लेते पहले इसको, ये क्या है, मतलब एन चैनल है कि पी चैनल है। अगर ये पी चैनल होगा तो यहाँ पे हम एन चैनल लगाने से काम नहीं करेगा और वो डायरेक्टली शॉर्ट कर देगा दोबारा। तो अब हम दोबारा इसको चेक कर देते हैं कि और भी जगह पे कुछ शॉर्ट सर्किट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। वैसे सेम सेम है, ये 18-19 जो है ये कॉइल का ओम्स होता है, तो मतलब बहुत सारा कॉइल वगैरह होता है तो इसकी वजह से ऐसे होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम दोबारा इसको दूसरा लगा के देख लेंगे, लेकिन अगर मिलता है तो तब भी देख पाएंगे। ओके थोड़ा सा रुकिए, मैं देखते। तो ये मोस्फेट जो है ये पी चैनल एनहेंस मोड मोस्फेट है, तो ये हम लोगों को फिलहाल नहीं मिल रहा है, तो चलिए इसे फेंक देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत मेरे को नहीं है। तो हम दूसरा इसमें लगाएंगे, जैसे पुराना एक वीडियो मतलब कल जो डाले थे इसमें वैसे ही करेंगे। तो देखिए ये P4409 है जो कि लेनोवो की लैपटॉप में लगता है, और ये हम दो लगाने वाले हैं जो कि पैरालल में होगा, मतलब एक के ऊपर और एक हम लगा देंगे। तो पहले हम एक को लगाएंगे, तो यहाँ पे हम आसान तरीके से इसमें लगा सकते हैं, और उसके बाद सोल्डरिंग करके और एक लगाना होगा। तो ये हम लगाते हैं, हीट को तो आ जाए, ठीक है। और इसका ड्रेन की तरफ जो पिन है इसे हम सोल्डरिंग करके पूरा का पूरा भर देते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर हम दूसरा मोस्फेट जो है उसे अटैच करेंगे। और ये आपको केयरफुली करना होगा, लेकिन
पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 2 3 ये जो है इसका सोर्स है, तो इसे भी हम सोल्डरिंग कर सकते हैं। और उस साइड का जो पिन है वो है आपका गेट पिन, तो ड्रेन की तरफ भी हम सोल्डरिंग कर देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर और एक मोस्फेट हम लगाने वाले हैं। अगर इसमें इस तरीके से नहीं लगाया तब भी चलेंगे। अब हम ड्रेन की तरफ सोल्डरिंग कर देते हैं और ये सोल्डरिंग हमारा हो चुका है। अब आपको ये दिखा देता हूं, तो देखिए एक के ऊपर एक मैंने लगाया और यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से हमारा काम हो चुका है। और इस साइड में ड्रेन की तरफ देखिए, ड्रेन जो है हमारा दोनों का दोनों ड्रेन एक साथ जोड़ा इसमें हम मैंने, तो इसमें क्या होगा, एम्पेयर जो है इसमें ज्यादा लोड ले पाएंगे। तो हम एक बार दोबारा कन्फर्म कर लेंगे कि इसके अंदर गेट टू सोर्स शॉर्ट हुआ है कि नहीं हुआ, ये हम देख लेंगे, क्योंकि इसमें टाइनी पॉइंट्स है तो इसकी वजह से ये जुड़ सकता है। तो ओके, नो प्रॉब्लम। तो चलिए हम दोबारा इसका जो है चार्जर उसे हम लगा के देख लेते हैं। और इसे चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को फिर से 20 वोल्ट डीसी में सेट करना होगा। और इसमें देख लेते हैं 19.06 आ रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम इसमें ये डालेंगे और अब हम इसका वोल्टेज बैटरी पॉइंट का ये हम चेक करेंगे। ये नहीं बन रहा है, मतलब और भी शॉर्ट सर्किट है। इसमें 1.38 बन रहा है, तो इसमें और भी शॉर्ट सर्किट है। तो चलिए इसे हम चेक करते हैं कि इसका वोल्टेज फिर से जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसे हम दोबारा चेक करके देख लेते हैं, ये भी 1.07 हो चुका है। तो हम इसे डिस्कनेक्ट करके फिर से लगा के देख लेते हैं, ये फिर से 19.05 हो चुका है। तो इसका मतलब और भी इसमें शॉर्ट सर्किट है। तो अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके इसे डिस्कनेक्ट करते जाएंगे।
इसमें 6 ओम्स आ रहा है। तो ये 6 ओम्स वाला हम निकाल के देख लेते हैं। काफी टाइम हो चुका है, 20 मिनट हो चुका है, तो टाइम लगेंगे। और क्या हुआ इसमें पता नहीं मेरे को भी। और जो प्रॉब्लम हम देखेंगे एक एक करके जुगाड़ लगाते जाएंगे, जो कि फाइनल डेस्टिनेशन होगा हमारा। अब हम दोबारा ओम्स को चेक करेंगे और मोस्फेट को भी चेक करेंगे। इसमें अभी भी 6 ओम्स आ रहा है, मींस ये खराब नहीं है। तो हम इसे एक बार चेक करके देख लेते हैं कि ये सही है कि गलत है। ये मेरे ख्याल से ये सही होगा, क्योंकि दूसरी जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है। ट्रिगर हो रहा है, ओके। तो गलती से निकाला था भाई, इसे लगा देते दोबारा। बहुत भूख लगा है। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इसे तो बाहर से कुछ कर नहीं पाए, तो भाई टोटल खोल के देख लेते हैं। इसमें एक दो स्क्रू मिलेंगे और, तो चलिए खोलते हैं और देख लेते हैं कि भाई क्या हुआ है। और कहाँ है, यहाँ पे और एक है, ओके। और यहाँ पे और एक है। स्क्रू निकालते निकालते मेरा जिंदगी तो झंड हो गई यार। और अब हम इस साइड में देखेंगे, लेकिन इस साइड में टाइनी टाइनी मोस्फेट है, तो यहाँ पे भी हम चेक करके देख सकते हैं कि कौन सी में 1 या तो फिर 0 ओम्स शो कर रहा है। तो भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, पता नहीं ये कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन अगर कर नहीं पाते तो हम ये वीडियो नहीं डालेंगे। इसमें तो वैसे ही है, ये जंग लगा हुआ लग रहा है, तो इसे भी हटा देते हैं। काफी मजबूत है, रहने दो। इसी जगह पे ही कुछ गड़बड़ होगा शायद मेरे ख्याल से, तो चलिए हम डिस्कनेक्ट कर करके देख लेते हैं। पहले फ्रॉजर को निकाल के देख लेते हैं। कुछ लोग इसे सीपीयू बोलने पर बुरा मान जाता है। ये नॉर्मल ड्यूल कोर है, अब हम इसे सक्सेसफुली चेक कर पाएंगे। और कौन सी मोस्फेट में
इसका ओम्स कम ज्यादा हो रहा है उसे भी हम कंफर्म कर पाएंगे, क्योंकि अब और भी आसान हो जाएंगे मेरे लिए, और इसे भी एक बार साफ कर देंगे वो भी फ्री में, और उसके साथ साथ हिंज को भी ठीक कर देंगे वो भी फ्री में। ओके, तो इस साइड में भी कुछ मॉस्फेट दिया गया है तो हम इसे भी चेक करके देख लेते हैं। वाओ, एकदम क्लीन क्लियर है। सेवन ओम्स, वन फिफ्टी सिक्स, 158, नो ओम्स, ओके। कोई भी कैपेसिटर में अभी बीप नहीं आ रहा है, सब कैपेसिटर इसमें सही लग रहा है, तो इसमें 7 ओम्स। तो चलिए हम इसे हटा के देख लेते हैं, और ये भी शायद मिलेंगे नहीं, मिल भी सकता है नसीब अगर अच्छा है तो। 26 मिनट हो चुका है भाई, टाइम भी खेल रहा है हमारे साथ और हम भी खेल रहे हैं टाइम के साथ। हिट बड़ा है ना, और इसमें फिर से ओम्स आ रहा है, तो हम इसे पलट के चेक करके देखते हैं। और ये जो मैंने दूसरा एक निकाले थे वो एन चैनल का था, तो यहाँ पे हम एन चैनल का लगाएंगे अगर ये खराब होता है तो, और अगर नहीं होता है तो भाई पागल हो जाएंगे ढूंढ ढूंढ के। इस पिन में भी ओम सारे वैसे ही जो मैंने निकाला पहले वैसे ही आ रहा है इसमें, पहले गेट पिन पे, उसके बाद सोर्स पिन पे, यहाँ पे शॉर्ट, उसके बाद हम हर पिन को टच करते तो ये डिस्चार्ज होना था लेकिन नहीं हो रहा है। तो चलिए हम आराम से दूसरा एन चैनल मॉस्फेट लगा देते हैं, जो कि हर कोई लैपटॉप में मिलेंगे। मेरे पास तो बहुत सारा लैपटॉप है तो वहीं से खोल के लगाएंगे। कुछ है देना वो, देना वो। तो हम यहाँ पे दूसरा एक मॉस्फेट लगाएंगे, तो चलिए हम लगा देते। वो नाइकोस का था, यहीं से एक को निकाल के लगा देते हैं। और अब हम इसे चेक करके लगाएंगे, क्योंकि ये पुराना है तो खराब हो सकता है। ट्रिगर हो रहा है, डिस्चार्ज भी हो रहा है। तो चलो, ये खराब वाला जो है इसका नंबर आप देख सकते हैं यहां पे, P6414A, तो इसकी जरूरत नहीं है। और भी कुछ प्रॉब्लम अगर निकलेंगे तो उसे भी सॉल्यूशन करना होगा, तो देखते रहिए क्या हुआ। ये ब्लर हो गया, तू देखा नहीं?
डाल का कौन? थोड़ा सा ठंडा होने के लिए टाइम देना होगा यहाँ पे, क्योंकि गर्मी का सीजन है और 34 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर रेटिंग है, तो नो प्रॉब्लम। और जो मॉस्फेट मैंने लगाया यहाँ पे थोड़ा सा साइज में छोटा है, लेकिन छोटा पैक बड़ा धमाका। ओके, अब हम दोबारा इसे चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे हम सीपीयू को भी मतलब प्रोसेसर को यहाँ पे लगा देंगे। अब हम दोबारा इसका ओम्स चेक करेंगे, क्योंकि इसमें तब 15-20 ओम्स आ रहा था, अब देखिए 365 आ रहा है, मतलब कि कुछ लैपटॉप में कोई ओम्स नहीं आता है इस साइड में वीआरएम में, लेकिन कुछ में आता है। तो ऐसे गारंटी के साथ तो हर कोई चीज़ नहीं हो सकता, और ये लाइव कर रहा हूँ और लाइव आप देख के मजा ले रहे हो, और कुछ लोग गुस्सा करते हैं क्योंकि रॉ फुटेज उसको पसंद नहीं है भाई, और झूठ मूठ का वीडियो डालने से कुछ फायदा नहीं होता इसे। फैन भी क्लीन हो चुका है। ओके, अब हम इसे लगाते हैं। ये ऑटो फोकसिंग बंद हो चुका है इस कैमरे का, तो इसे ऑन करना होगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, ऑटोमेटिकली ब्लर हो रहा है। ओके, फैन को भी लगा देते हैं। पहले हम इसका वोल्टेज को एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, और ये बार बार करना पड़ता है। नाइनटीन पॉइंट जीरो फोर ओके, ये लगाया, और अब हम दोबारा इसे टेस्ट करेंगे। 3.3 हो गया, चालू हो चुका है, ये चालू हो जाएंगे अभी, डिस्प्ले आ जाएंगे भाई, तो बर्बाद नहीं हुआ मेरा 33 मिनट। तो अब हम इसे पावर ऑन करके देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पावर बटन जो है इसे खोलेंगे, और इसका हिंज तो टूटा हुआ है आपने तो देखा होगा। तो इसके लिए हिंज को रिपेयर करके ही डालना होगा, तो उसके आगे हम वीडियो को कंप्लीट करेंगे, मतलब खत्म कर देंगे। और अब हम इसे पावर बटन जो है यहाँ पे लगाएंगे। लग चुका है, और अब हम ये चार्जर को यहाँ पे डालेंगे, और आप इस साइड में नजर दीजिएगा, क्योंकि इस साइड में जब ऑन होंगे तो ये ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, और बहुत खुशी की बात ये डिस्प्ले भी आ चुका है। तो देखिए एक बार बंद करता हूँ, वहां पे देखिए बंद हुआ है, और यहाँ पे भी देखिए ये बंद हो चुका है। तो हम दोबारा इसे ऑन करते हैं, तो देखिए ये ऑन हो चुका है, और इसमें डिस्प्ले भी आ चुका है। तो हम इसे खोल के आपको दूसरी साइड से दोबारा दिखाते हैं। बहुत खुशी की बात है ये। 35-40 मिनट लगे तब भी भाई कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिए प्रूफ। जो मेरा पुराना फॉलोअर्स है उसके लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है,
लेकिन कुछ नया लोग होता है उनको खुद पे भी विश्वास नहीं होता, तो इसीलिए ठीक है। तो अब हम आपको चार तरफ से इसे दिखाएंगे। तो अब देखिए हम इसे यहाँ से लगा के इसे चालू करके दिखा रहे हैं। कहाँ है बटन? तो ये हमारा ऑन हो चुका है, कैमरा खोल। और अब देखिए यहाँ पे हमारा डिस्प्ले जो है ये आ चुका है, देख सकते हैं आप, ये वही लैपटॉप है ठीक है। और ये ऐसे इस तरीके से कैमरा करना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। तो भाई वीडियो बहुत मेहनत करके बनाया, लाइक अगर नहीं मारोगे तो भाई आपका तो बुरा ही होने वाला है। मारो लाइक, ठोको शेयर भाई अगर सीखना चाहते हो तो, क्योंकि भाई आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंप्रेशन की बात है। तो भाई शेयर तो मारो, चाहिए चाहिए भाई। चलो लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।